अमृत कलश यात्रिया समारोपवन्नु नाळे देहलिय कर्तव्य पथदल्लि आचरिसलागुवुदु एंदु प्रधानि नरेंद्र मोदी तिळिसिद्दारे। मन की बात कार्यक्रमदल्लि राष्ट्रवन्नु उद्देशिसि अवरु अमृत कलश यात्रियडि देशद मूले मूलेगळिंद संग्रहिसिद मण्णु ईग देहलिगे तलुपुत्तिदे। इदरिंद अमृत वाटिक निर्मिसलागुवुदु। इदु देशद राजधानिय हृदय भागदल्लिरुव अमृत महोत्सवद भव्य परंपरेयागि उळियलिदे एंदु तिळिसिद्दारे। अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। प्रति वर्षदंते अक्टोबर 31रंदु एकता दिनाचरणेगे संबंधिसिद मुख्य समारंभवन्नु गुजरात्न एकता प्रतिमे बळि नडेसलागुत्तदे। ई दिनदंदु एकतेगागि ओट कार्यक्रम आयोजिसिद्दु हेच्चिन संख्येयल्लि जनरु भागवहिसुवंते प्रधानि करे नीडिद्दारे। मेरा युवा भारत माई भारत संगठन की नींव युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा।